फ्रेंड्स नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट सेक्शन 49 कन्वर्जन ऑफ इंडोर्समेंट इन ब्लैंक इनटू फुल। समझो आपका कन्वर्जन है यानी एक्स ने साइन करके इंस्ट्रूमेंट दिया है लेकिन टू ट्रांसपोर्ट लाइन में लिखा नहीं है पे टू वाई और इज ऑर्डर। वाई के बाद इंस्ट्रूमेंट आएगा, वाई सिर्फ जेड का नाम ऐड कर देगा तो कन्वर्जन ऑफ द ब्लैंक इनटू फुल हो जाएगा। इंडोसी ने इंडोसी का नाम लिखे बिना इंडोसी को दिया हुआ है, इंडोसी और किसी का नाम लिख के दे देगा तो कन्वर्जन इनटू ब्लैंक टू फुल हो जाएगा। होल्डर है वो कन्वर्जन करेगा, एक्स ने मुझे इंस्ट्रूमेंट दिया हुआ है लेकिन ब्लैंक इंस्ट्रूमेंट है, एक्स का साइन है, मेरा नाम नहीं है तो मैं मेरा नाम लिखे बिना विदाउट साइनिंग, इंडोसर का सिग्नेचर तो था ही, मैंने साइन नहीं किया सिर्फ डायरेक्शन दे दिया टू द अदर पर्सन पे टू जेड ओ दिस ऑर्डर। होल्डर का पास इंस्ट्रूमेंट था, होल्डर का नाम नहीं था, इंडोसर का साइन था, होल्डर थर्ड पार्टी का नाम लिख के कोई इंस्ट्रूमेंट दे देगा तो होगा कन्वर्जन इनटू ब्लैंक टू फुल। तो यहाँ पे होल्डर का कोई लायबिलिटी अराइज नहीं होगा क्योंकि होल्डर का नाम इंस्ट्रूमेंट में है ही नहीं। एक्स ने मुझे इंस्ट्रूमेंट दिया, मैंने वाई और इज ऑर्डर ब्लैंक में फुल को कन्वर्ट करके और किसी को दे दिया तो मैं हूं होल्डर। कौन सा होल्डर? ब्लैंक टू फुल में कन्वर्ट करने वाला, तो ब्लैंक टू फुल में कन्वर्ट करने वाला इंडोसॉल आफ्टरवर्ड्स लायबल नहीं होगा। दैट इज सेक्शन 55। हमें जो ब्लैंक यहाँ पे बैंक नहीं ब्लैंक इंस्ट्रूमेंट था फुल को कन्वर्ट किया कैन नॉट बी क्लेम फ्रॉम द इंडोसर हु कन्वर्ट इट, जिसने कन्वर्ट किया है वो लायबल नहीं है लेकिन मेरे पास से जिसने लिया हुआ है गुड फेथ में उसके लिए और उसके आफ्टरवर्ड्स की पार्टी के लिए मैं लायबल हूँ। टू वो ऐसे फुल इंडोर्स करके दिया और जिसने उससे पास से राइट अराइव किया डिराइव किया उसके लिए मैं लायबल रहूंगा। तो ब्लैंक टू फुल में कन्वर्जन नाम लिख के और किसी को दे देना तो होल्डर लायबल नहीं होगा। एग्जांपल बढ़िया सा दिया हुआ है, ए के पास इंस्ट्रूमेंट पड़ा था, ए पे ही था, ए ने वो इंडोर्समेंट इन ब्लैंक करके बी को दे दिया। ए ने इंस्ट्रूमेंट किसको दिया? बी को। बी ने क्या किया? फुल में कन्वर्ट और सी को दिया और सी ने विदाउट इंडोर्समेंट डी को दे दिया। सी ने विदाउट इंडोर्समेंट डी को दे दिया तो एट द टाइम वो इंस्ट्रूमेंट बेरर ही रहेगा एंड ब्लैंक इंस्ट्रूमेंट कंटिन्यू रहेगा। इसीलिए डी के पास जो इंस्ट्रूमेंट आया है उसके लिए वो बी एंड सी पे स्यू नहीं कर सकता है, ए और उसकी प्रायर पार्टी के लिए स्यू कर सकता है लेकिन सी ने बेरर इंस्ट्रूमेंट डी को नहीं दिया है रेगुलर इंडोर्समेंट दिया है तो डी सभी पार्टी पे स्यू कर पाएगा। ए पे ही है, ए बी को ब्लैंक इंस्ट्रूमेंट दे रही है, बी सी को फुल में कन्वर्ट करके इंस्ट्रूमेंट दे रहा है, सी डी को बेरर इंस्ट्रूमेंट दे रहा है तो डी ए और उसके प्रायर पार्टी पे स्यू कर सकती है आफ्टरवर्ड नहीं लेकिन सी ने रेगुलर इंडोर्समेंट करके डी को दिया है तो डी आगे की सभी पार्टी पे स्यू कर सकती है। देखो यहाँ पे ये वही रूल बताया है, एक बार जो इंडोर्समेंट ब्लैंक था फुल में कन्वर्ट किया तो भी वो रिमेन्स पेएबल टू बेरर ही होगा। सी ने डी को इंस्ट्रूमेंट दिया है तो डी के पास इसी लॉजिक से बेरर इंस्ट्रूमेंट माना गया है। एंड नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट बाय डिलीवरी अगेंस्ट ऑल द पार्टीज यू कैन मेक द लायबल इफ इट इज इन फुल। इफ इंडोसर इज फुल एट दैट टाइम लायबल टू होल्डर ओनली हु डायरेक्टली और इनडायरेक्टली डिराइव द टाइटल। उसका मतलब ए ने बी को दिया, ए ने बी को ब्लैंक इंस्ट्रूमेंट दिया, बी ने सी को दिया और सी ने डी को दिया, बी टू सी फुल इंडोर्समेंट था लेकिन डी बेरर था तो डी बेरर है तो इंस्ट्रूमेंट बेरर कंटिन्यू रहेगा
तो आगे की ए और उसके आगे की लायबल पार्टी लायबल है, उसके बाद की पार्टी लायबल नहीं है, लेकिन बी है वो कन्वर्टर है ब्लैंक टू फुल, बी है वो कन्वर्टर है ब्लैंक टू फुल. एसेंशियल ऑफ ए वैलिड इंडोर्समेंट, व्हाट आर द एसेंशियल ऑफ द वैलिड इंडोर्समेंट. हमारा कोई भी इंडोर्समेंट वैलिड कब माना जाएगा, सबसे पहले इंडोसर का सिग्नेचर होना चाहिए. इंस्ट्रूमेंट मस्ट बी साइन आइदर ओनली साइन हिज नेम ऑन द इंस्ट्रूमेंट और इन एडिशन टू द सिग्नेचर एट द वर्ड ऑर्डर. ओनली साइन है तो बेहतर है, वर्ड एड किया हुआ है तो ऑर्डर है. कई बार ए ने बी को इंस्ट्रूमेंट दिया हुआ है, बी इंडोसी है, बी का नाम गलत है, तो उसी गलत नाम से बी इंडोस करेगा और ब्रैकेट में सही नाम लिख देगा. साइन गलत नाम पे करेगा और ब्रैकेट में सही नाम लिख देगा. हु में इंडोस और नेगोशिएट, कौन इंडोस कर सकता है, कौन नेगोशिएट कर सकता है, जो मना नहीं बोला है, रिस्ट्रिक्ट नहीं किया है, एक्सक्लूड नहीं किया है, तो बाकी की सभी पार्टी मेकर, ड्रोवर, पेई, इंडोसी, ज्वाइंट मेकर, ज्वाइंट ड्रोवर, ज्वाइंट पेई, ज्वाइंट इंडोसी, वो इंडोस करके सेम इंस्ट्रूमेंट आगे दे सकते हैं. इंडोसमेंट करना है तो आपका लो फुल पोजीशन होना चाहिए, तो ही आप इंडोसमेंट कर सकते हैं. ए है उसने बिल लिखा हुआ है एंड पेएबल टू ए ओनली, अपने आप पे बिल लिखा है और ऑर्डर, और इंडोस करके बी को दे दिया है, वहां पे और ऑर्डर वर्ड यूज नहीं किया है. एंड ऑल्सो मे नेगोशिएट, बाद में भी बी है वो नेगोशिएट कर पाएगा. इफेक्ट ऑफ इंडोसमेंट, इंडोर्समेंट है, इंडोर्समेंट करके दोगे उसका मतलब डिलीवरी हो जाएगा, उसका प्रॉपर्टी ट्रांसफर होगा एंड फर्दर नेगोशिएशन का राइट है वो इंडोसी को मिल जाएगा. लेकिन फर्दर नेगोशिएशन का राइट आपने कोई भी वर्ड यूज करके एक्सक्लूड किया है, फर्दर नेगोशिएशन को आपने एक्सक्लूड करके मना बोल दिया है, तो राइट ट्रांसफर नहीं होगा. वरना नेगोशिएशन इंडोर्समेंट होने से ही ओनरशिप, प्रॉपर्टी, राइट टू इंडोर्स सब ट्रांसफर हो जाता है. देखो यहाँ पे आपको बोला हुआ है कौन से इंस्ट्रूमेंट है उसमें राइट ऑफ फर्दर नेगोशिएशन नहीं है. तो पहला है सी ओनली फॉर माय यूज ऑन अकाउंट ऑफ बी एंड क्रेडिटेड टू सी ओनली, ऐसे वर्ड यूज किए हैं तो नेगोशिएशन एक्सक्लूड हो जाएगा. लेकिन नीचे दिए गए वजह से एक्सक्लूड नहीं होगा. सी को पे करो लेकिन ओनली वर्ड यूज नहीं है, सी को पे करो थ्रू द ओरिएंटल बैंक फॉर वैल्यू करो, सी के कंटेंट के मुताबिक कंसीडरेशन के पार्ट आप पे कर रहे हो तो वो भी फर्दर नेगोशिएट होगा. अभी सी ने कोई प्रॉपर्टी परचेस किया है, डीड के मुताबिक एडवांस पेमेंट किया है, तो उस इंस्ट्रूमेंट के लिए प्रायर पार्टी भी लायबल होगी. इंडोसर जो ऑन लायबिलिटी एक्सक्लूड कर रहा है एंड मेक्स इट कंडीशनल, इंडोसर ने सेलिंग कॉस्ट वर्ड यूज कर दिया तो उसका लायबिलिटी एक्सक्लूड हो जाएगा. इंडोसर ने कोई कंडीशन डाल दिया तो कंडीशन भी अप्लाई होगा, वो कंडीशन जब हैपन होगी तभी इंस्ट्रूमेंट वैलिड माना जाएगा. इंडोसर क्या कर रहा है, अपनी लायबिलिटी एक्सक्लूड और एट द कंडीशन, और एट द कंडीशन इंडोसर में बाय एक्सप्रेस वर्ड सेन रिकोर्स विदाउट रिकोर्स ऐसे वर्ड यूज करके ऑन लायबिलिटी एक्सक्लूड कर सकता है. जब सच लायबिलिटी और राइट अराइज होता है अमाउंट ड्यू देयर ऑन, ब्रेकिंग कब अमाउंट ड्यू होगा, हैपनिंग ऑफ द स्पेसिफाइड इवेंट, हैपनिंग ऑफ द स्पेसिफाइड इवेंट, जब इवेंट हैपन होगी तो ही मैं पे करूंगा और मैं बोलूंगा लायबल नहीं हूं तो एक्सक्लूड और कंडीशनल इंस्ट्रूमेंट माना जाएगा. जब इंडोसर सेनिकोस लिख देता है अपनी लायबिलिटी एक्सक्लूड कर देता है तो आफ्टरवर्ड फिर से वो होल्डर हो जाता है जिसको नेगोशिएशन बैक बोलते हैं. तो ऑल इंटरमीडिएट लाय पार्टीज से घूम के उसके पास आएगा तो इंटरमीडिएट पार्टीज लायबल होगी. समझो ए ने बी को दिया, बी ने सी को दिया, सी ने डी को दिया, डी ने ई को, एफ को, जी को, एच को, एच ने अगेन डी को आया, डी के पास आ गया, सेम रिकोर्स वर्ड यूज किया है तो इंटरमीडिएट पार्टी लायबल है. सेन रिकोर्स नहीं किया है तो लायबल नहीं है, डी के आगे की पार्टी है वही लायबल होगी.
ए ने बी, बी ने सी, सी ने डी, डी ने ई एफ जी एच आई, अगेन डी, तो इंटरमीडिएट डिस्चार्ज। डी ने सेन रिकॉर्ड लिख के दिया है तो इंटरमीडिएट ऑफ लायबल। जो इंडोसन ने अपना नाम लिखा है विदाउट रिकॉर्ड यानी सेंस रिकॉर्ड, तो उसकी कोई लायबिलिटी अपने आप की लायबिलिटी नहीं रहेगी, इंटरमीडिएट पार्टी है वो भी लायबल रहेगी। यहाँ पे विदाउट रिकॉर्ड है, ए इज नॉट रजिस्टर्ड इज फॉर्मर राइट, तो उसके पास इंटरमीडिएट बी सी सभी का पास व्यू करने का राइट है। अनलॉफुल मीन है, अनलॉफुल कंसिडरेशन है, तो होल्डर इन ड्यू कोर्स के पास राइट आएगा, बाकी राइट नहीं आएगा। इंस्ट्रूमेंट लॉस हुआ है, ऑफेंस फ्रॉड अनलॉफुल कंसिडरेशन से एक्वायर किया है, तो पजेस इंडोसी जो जिसके पास इंस्ट्रूमेंट है वो स्यू नहीं कर सकते, सिर्फ होल्डर इन ड्यू कोर्स है तो ही स्यू कर सकता है। डिस होने के बाद, ओवरड्यू होने के बाद इंस्ट्रूमेंट एक्वायर करोगे तो आफ्टर डिसओनर बाय नॉन एक्सेप्टेंस, नॉन पेमेंट, बाय नोटिस, कोई भी वजह से डिसओनर हुआ है, आफ्टर मैच्योरिटी है तो भी आप विंडोज कर सकते हो, एंड अगेंस्ट अदर पार्टी ओनली यू कैन स्यू, नॉट ऑन अदर पार्टी। आफ्टर डिसओनर है तो ओवरड्यू हो चुका है, बाद में भी आप आगे इंस्ट्रूमेंट दे रहे हो, इंस्ट्रूमेंट एक्वायर कर रहे हो, तो अदर पार्टी के अगेंस्ट में आपका राइट रहेगा। अकोमोडेशन ऑफ नॉट एंड बी, अकोमोडेशन यानी विदाउट कंसिडरेशन, आपको मनी की जरूरत थी, आपने उस किसके पास से इंस्ट्रूमेंट एक्सेप्ट करवा के डिस्काउंट करवा लिया, तो वो अकोमोडेशन ऑफ बिल हो जाएगा, मनी रेज के लिए अकोमोडेशन ऑफ बिल माना जाएगा। कोलेटरल सिक्योरिटीज, देखो यहाँ लास्ट लाइन इंपॉर्टेंट है, ड्रोवर ने एक्सेप्टर के पास से कोई सिक्योरिटी लिया था तो बाद में ड्रोवर ने वो सिक्योरिटी बेच दिया तो एक्सेप्टर उतना अमाउंट कम पे करेगा, लेकिन ड्रोवर ने इंडो करके इसको दे दिया है तो भी एक्सेप्टर ए को रिमेनिंग अमाउंट ही पे करेगा, एक्सेप्टर रिमेनिंग अमाउंट ही पे करेगा। इंस्ट्रूमेंट नेगोशिएबल इन पेमेंट, हमने देखा आफ्टर मैच्योरिटी इंडो हो सकता है, आफ्टर मैच्योरिटी इंडो हो सकता है लेकिन पेमेंट के बाद नहीं। कैंसलेशन ऑफ इंडोसमेंट, आप जिस पार्टी का नाम निकाल देते हो उसके बाद की पार्टी को पूछते नहीं हो, पूछे बिना निकाल देते हो तो प्रायर पार्टी डिस्चार्ज हो जाएगी। ए है बिल ऑफ एक्सचेंज का होल्डर है, ए ने वो इंस्ट्रूमेंट बी को दिया, बी ने सी को, सी ने डी को, डी ने ए को, ए अगेंस्ट सी पुट द बिल स्ट्राइक आउट विदाउट हिज कंसेंट, यानी ई को पूछे बिना सी का नाम निकाल दिया, अभी ए के पास ए होल्डर है, सी का नाम निकाल दिया, ई को पूछा नहीं तो ई लायबल नहीं होगा, डिस्चार्ज हो जाएगा। नेगोशिएशन बैड, अभी जो हमने देखा था ना पूरा साइकिल घूम के उसके बाद आ जाता है तो इंटरमीडिएट पार्टी पे स्यू नहीं हो सकता है, इन सेन रिकोर्स लिख के दिया हुआ था तो इंटरमीडिएट पार्टी भी लायबल होगी। फ्रेंड प्ले स्टोर में इंस्ट्रूमेंट डाउनलोड करिए, फर्स्ट वीडियो से सुनिए तो ही समझ में आएगा, बुक सामने रखिए। थैंक यू वेरी मच।